हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आईजी वसीम चैनल में। इस आज की इस वीडियो में हम पोको X6 प्रो वर्सेस पोको F5 के बीच में फ्री फायर मैक्स का डिटेल कंपैरिजन करेंगे, बैटरी रन टेस्ट करेंगे एंड बताते हैं कि इसकी कौन कैसा परफॉर्मेंस देता है, कौन बेस्ट है भाई गेमिंग के लिए एंड बैटरी बैकअप किसका बेटर है। सो दोस्त, देखते रहिए वीडियो को एंड तक, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पोको F5 में प्ले करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे मैं आपको सेटिंग में ले चलूँ तो देख सकते हैं सारे ही सेटिंग्स उन्होंने फुल्ली मैक्स कर दिया, 60 FPS इनेबल्ड है। एंड गाइस, यहाँ से टाइमिंग की बात कर लिया जाए तो टाइम देख सकते हैं 11:35 हो रहा है, बैटरी परसेंटेज है 45 पे, तो देखेंगे इस आफ्टर प्ले। ओके दोस्त, यहाँ पे अब इस फोन के स्पेक्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको कमाल के स्पेक्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि भाई एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं है तो ये एक मिस हो जाता है भाई, मतलब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होना चाहिए था इस डिवाइस में भी। बाकी इस यहाँ पे इस फोन को वैसे हमने 20,000 का अप्रॉक्स में बाई किया था सेल में, तो अच्छा मतलब प्राइस पे मिला था। 30,000 में तो मैं क्लियरली रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज इसका कैमरा मुझे काफ़ी एवरेज लगा था। बाकी दोस्त, यहाँ पे 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 67 वाट का फास्ट चार्जर है, 5000 mAh की बैटरी है एंड इस डुअल स्पीकर का भी इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड डुअल स्पीकर का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत ही लाउड देखने को मिल जाता है तो स्पीकर से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब दोस्त, यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल यूज़ किया गया है एंड इस फोन का बहुत ही ज़्यादा हाई पीपीएम मचा था, तो इसमें मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 7 Plus Gen 2 जो कि इस एक्चुअल में काफ़ी पावरफुल है N22 के हिसाब से, बट एक्चुअल में कैसा परफॉर्म करता है वो गाइस मैं आपको बता दूँ। सो परफॉर्मेंस इसमें अच्छा देखने को मिलता है, बट मैंने टेस्ट किया Mi 10T या Moto G54 5G, बेसिकली भाई उनमें स्मूथनेस बेटर देखने को मिलता है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे क्लियरली थोड़ा और बेटर करना चाहिए था क्योंकि भाई ये प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल है, बट उतना स्मूथ मुझे फील नहीं हुआ, जैसा फील होता है वैसा भाई बताता हूँ। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, FPS ड्रॉप नहीं करता है बट जो मतलब स्मूथनेस होता है ना वो फील नहीं होता है इस फोन में, तो इसमें मुझे थोड़ी सी कमी लगी। बाकी पोको X6 प्रो का भी बताएंगे आगे कि उसमें कैसा होता है। ओके, सो ओवरऑल यहाँ पे स्पेक्स कम माल का देखने को मिल जाता है एंड अंडर 20,000 मिले तो अभी भी मैं इस फोन को रिकमेंड कर सकता हूँ। इसका बैटरी बैकअप भाई कम माल का मतलब है, बहुत ही कम माल का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। इसका भी हमने फुल्ली बैटरी रन टेस्ट किया है तो वो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा गेम प्ले देखिए, फिर आपको बताते हैं कितना बैटरी ये डेन किया, फिर पोको X6 प्रो में प्ले करेंगे। ओके दोस्त, सो दोस्त फाइनली गेम प्ले हमारा हो चुका है कंप्लीट, गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसा कि आपको बता दिया कि स्मूथ उतना फील नहीं होता है। बाकी टाइम देख सकते हैं एंड बैटरी परसेंटेज ये ड्रेन किया है सिर्फ 3% 14 मिनट में, तो बैटरी बैकअप सच में बहुत ही अच्छा है इस डिवाइस का, हीटिंग इशू भी देखने को नहीं मिलता है इस फोन में। अब दोस्त यहाँ पे प्ले करते हैं पोको X6 प्रो 5G में एंड किस यहाँ पे सेटिंग में ले चलूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे भी सारे ही सेटिंग्स को उन्होंने फुल्ली मैक्स कर दिया है, 60 FPS भी इनेबल कर दिए। भाई गाइस, यहाँ पे टाइमिंग की बात कर ली जाए सो गाइस टाइम देख सकते हैं 7:38 हो रहा है, बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं 81 पे है, तो देखेंगे इस आफ्टर प्ले। अब दोस्त इस फोन के स्पेक्स की बात की जाए तो इसमें भी कमाल के स्पेक्स देखने को मिलते हैं एंड भाई मतलब ये जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ तो भाई
पूरा ही मतलब शोर मच गया, इतना ही कम माल का प्राइस रख दिया। मतलब भाई इसका बेस वेरियंट ही 8256 के साथ में आता है, एंड अच्छी बात है कि पोको एफ वाई भी मतलब 256 के साथ में ही आता है। और पोको एफ फाइव में अच्छी बात यह है कि 2 ईयर का वारंटी देखने को मिलता है, बट इस फोन का 1 ईयर का ही है वैसे। अब दोस्तों इस फोन के स्पेक्स की बात किया जाए तो यहाँ पे भी 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले अमोलेड देखने को मिल जाता है, एंड अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर का भी सपोर्ट दे दिया गया है, एंड डुअल स्पीकर की क्वालिटी कहूँगा भाई टॉप नॉच है, मतलब अंडर 30,000 बहुत ही अच्छा है। डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो स्पीकर का एक्सपीरियंस मस्त देखने को मिलता है। डिस्प्ले क्वालिटी भी मस्त है, चीन बेजल्स भी काफ़ी पतले हैं तो देखने में बहुत ही मक्खन लगता है भाई, अच्छा लगता है ओवरऑल। अब दोस्तों यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी इसमें भी देखने को मिल जाती है, एंड 67 वाट का फास्ट चार्जर इसमें भी है। परफॉर्मेंस के लिए गई इस यहाँ पे प्रोसेसर यूज़ किया गया डेमेंसिटी का 8300 अल्ट्रा, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, एंड 7 Gen 2 के अप्रोक्स ये भी मतलब N22 स्कोर करता है। अब दोस्तों यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा है, तो ओवरऑल मैंने जितना टेस्ट किया तो पोको A5 से मुझे इसका परफॉर्मेंस बेटर लगा। अब दोस्त यहाँ पे BGMI का तो वैसे कंपैरिजन करेंगे डिटेल में तो वहाँ पे बताएंगे, बट फ्री फायर का बता दें तो क्लियरली भाई पोको F5 से ये बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। 60 FPS ये भी सपोर्ट करता है फ्री फायर, तो मैक्स 60 FPS है, बट इसमें स्मूथनेस की जो कमी मुझे पोको F5 में लगी थी वो इस फोन में नहीं है, यहाँ पे मक्खन गेमिंग करा देता है, एंड सेम मुझे Mi 10T में भी मतलब फेस होता है स्मूथनेस, तो वैसा ही स्मूथनेस में देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। बाकी दोस्त बैटरी बैकअप की बात तो आगे करेंगे कैसा प्रोवाइड करता है। हीटिंग की बात की तो अभी भाई नोटिस नहीं हो रहा है, बट इतना कह सकता हूँ कि पोको F5 में बहुत ही अच्छा हीटिंग को मैनेज किए भाई, मतलब कि बिल्कुल हीटिंग इशू नहीं है पोको F5 में, बट इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो है, अभी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा गेन कर रहा है, बट एक्चुअल तो पता चलेगा भाई गर्मी के दिनों में, तो उसका वेट करेंगे एंड फोन का रिव्यू भी लाएंगे भाई गर्मी के दिनों में भी पूरा डिटेल में टेस्ट करके, तो वहाँ पे और आपको मालूम चलेगा, क्योंकि भाई पोको के डिवाइसेस सेल में काफ़ी अच्छे प्राइस में मिलते हैं तो बाद में काफ़ी बिकते भी हैं। लाइक पोको F5 मैंने भी सेल में ही बाई किया था, बाद में ही 20,000 में, तो अच्छे प्राइस में मिला था, तो वैसे ही कुछ आप भी बाई करने का सोच रहे हैं तो सेल का वेट करेंगे तो अच्छे प्राइस में मिल जाएगा, मतलब कि 20,000 का अप्रॉक्स में ईजिली मिल जाएगा 256 GB वाला वेरियंट। वैसे ही मेरे पास ये 512 GB वाला वेरियंट है। सो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा गेम प्ले देखिए, फिर आपको एंड में बताते हैं कैसा परफॉर्म किया, वैसे तो बता दिए बट बैटरी बैकअप कैसा है। ओके जरूर सब लोगों को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस गेम प्ले हमारा हो चुका है कंप्लीट, क्लियरली भाई मक्खन गेमिंग करा देता है एंड बहुत ही स्मूथ गेमिंग होता है भाई। टाइम देख सकते हैं 7:56 हो रहा है, 18 मिनट में ये 5% डिक्रीज किया है, तो बैटरी बैकअप ओवरऑल इसका भी अच्छा है, बट कुछ चीज़ों में बैटरी ज़्यादा ड्रेन करता है। इसका फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सो क्लियरली पोको F5 को बीट कर देता है ये फ्री फायर मैक्स में, बाकी BGMI का भी डिटेल कंपैरिजन आएगा। सो दोस्त देखते रहिए वीडियो को एंड तक, वैसे एंड तो हो ही गया, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।